आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे अपने विचार आपके सामने व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त कर बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है। आइए मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में बताती हूँ। स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक पर्व है। आज से 76 वर्ष पूर्व भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। भारत जिसने अपना अस्तित्व खो दिया था को पुनः अपनी पहचान मिली। अंग्रेज भारत आए और यहाँ के परिवेश को बड़े ध्यान से जानने और परखने के बाद हमारी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए हम पर आक्रमण किया और करीब 200 वर्षों तक हम पर शासन किया। हमारे वीर योद्धाओं ने कई लड़ाइयां लड़ी और उसके बाद जाकर 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। तब से लेकर आज तक हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर साल लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। इसके बाद वे देश को संबोधित करते हैं और फिर कुछ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग दिल्ली आते हैं और जो नहीं जा पाते वे इसका सीधा प्रसारण देखते हैं। इस प्रकार हम अपने वीर जवानों को याद करते हुए अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमें अपने देश पर गर्व है। जिन वीरों पर हमको गर्व है, जिन वीरों पर हमको गर्व है, स्वतंत्रता उन्हीं का पर्व है। जय हिंद।